आम हिंदुस्तानी को घर से बाहर कदम रखते ही हर रोज एक नए संघर्ष से गुजरना पड़ता है। आम हिंदुस्तानी की जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा सड़कों पर संघर्ष करते करते ट्रैफिक जाम में हॉर्न बजाते हुए यूं ही बीत जाता है, और ये सड़कें हर साल हजारों जिंदगियों को काल बनकर निगल भी जाती हैं। देश में हर साल सड़क दुर्घटनाओं में करीब 1,40,000 लोग मारे जाते हैं। तो आखिर क्यों इन सड़कों पर चलते चलते हजारों लोग अपनी मंजिल तक कभी पहुंच नहीं पाते, और लाखों मंजिल तक देर से पहुंचते हैं, वो भी ट्रैफिक के जाम में फंसते हुए जैसे तैसे। We sell about 3 million cars in a year in this country. You find that 70-80% of the transport related infrastructure in our cities are tied with flyover, road widening and expressways. And much less share for public transport and infrastructure for walkers and cyclists. So you are forcing me by design to take my car or two-wheeler out. दरअसल आजादी के बाद हम सड़कों पर सड़कें बिछाते रहे। सड़कों पर भीड़ बढ़ी तो हमने फ्लाईओवर और अंडरपास बना दिए, पर देश में एक टिकाऊ और सुरक्षित ट्रांसपोर्ट व्यवस्था बनाने की दिशा में हम बहुत कुछ नहीं कर पाए। The National Urban Transport Policy basically prioritizes investments in public transport, non-motorized transport, that is pedestrianization, cycling, and intelligent transport systems. At present, you find that cars which carry not more than 10% of the total trips occupy more than 90% of the road space. So it talks of equitable allocation of road space. डामर की काली सड़कों, कंक्रीट के फ्लाईओवरों और चमचमाती सरपट दौड़ती कारों को हमने विकास का पैमाना समझ लिया। नतीजा ये हुआ कि आज पैदल चलने वालों के लिए ये सड़कें खतरा बन गई हैं। I've never had a serious mishap on the road, but I see great possibilities of that happening. देश के वायु प्रदूषण में 70% हिस्सेदारी गाड़ियों के धुएं की वजह से है, जो हमारे फेफड़ों में जहर घोल रहा है। अगर आप शहरों में आते हैं जहाँ पे वायु प्रदूषण बहुत ही ऊंचे स्तर पर है, और मतलब जो वायु की क्वालिटी है वो बहुत कम आ गई है, बहुत नीचे आ गई है, तो वहाँ पर मोटर गाड़ियों का जो कंट्रीब्यूशन है वायु प्रदूषण में बहुत ज्यादा है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि देश में एक सुरक्षित और टिकाऊ परिवहन प्रणाली को लागू करने की दिशा में आज ही शुरुआत की जाए, इससे पहले कि कहीं और देर ना हो जाए।